राहुल ने सबके सामने झूठ बोला। वे सबके सामने लड़ रहे थे। जो कुछ उनके सामने रखा गया उन्होंने सब खा लिया। सो गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है सामने, किसी के भी सामने। इसके लिए हम यूज़ करते हैं इन फ्रंट ऑफ। चलिए इसका कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर मेन वर्ब आएगा वो भी टेंस के हिसाब से लिख देंगे। इसके बाद हमको यूज़ कर देनी है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ के बाद नाउन या फिर प्रोनाउन जो भी आएगा उसे लिख दिया जाएगा, या फिर आप इस प्रकार भी बोल सकते हैं कंप्लीट सेंटेंस, इसके बाद इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ के बाद नाउन या फिर प्रोनाउन। चलिए कुछ एग्जांपल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। राहुल ने सबके सामने झूठ बोला। राहुल लाइड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। राहुल लाइड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। वे सबके सामने लड़ रहे थे। दे वर फाइटिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। दे वर फाइटिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। जो कुछ उनके सामने रखा गया उन्होंने सब खा लिया। दे एट एवरीथिंग दैट वॉज पुट इन फ्रंट ऑफ देम। दे एट एवरीथिंग दैट वॉज पुट इन फ्रंट ऑफ देम। प्रवेश द्वार के सामने कार खड़ी नहीं करनी चाहिए। The car should not be parked in front of the entrance. The car should not be parked in front of the entrance. आप उसके सामने एक शब्द भी नहीं बोल पाओगे। You won't be able to say even a word in front of him. You won't be able to say even a word in front of him.